वेल आए दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस हो या फिर टीवी एक्ट्रेसेस हो, सबके साथ उनके स्टार्टिंग फेज में जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में जिस तरीके से छेड़खानी होती है, बेइज्जती की जाती है, वो तो आम बात हो गई है। लेकिन आखिरकार बिग बॉस की कौन सी बड़ी विनर है जिन्होंने अब इस बात का खुलासा कर दिया है कि उनके 22 साल के उम्र में किस तरीके से एक प्रोड्यूसर ने उनकी बेइज्जती की थी और उनके साथ बदतमीजी भी की थी। आखिरकार कौन है वो एक्ट्रेस और आखिरकार कौन है वो एक्ट्रेस, चलिए पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि फिलहाल अभी अभी बिग बॉस की इस विनर ने अपने इंडस्ट्री में 7 साल पूरे कर दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौहर खान की, जो कि बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं। और अब गौहर खान को अपने नाम के लिए किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने ज़िंदगी में जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो उनके खुद के दम पर की है और खुद के मेहनत की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया से, सॉरी जी हाँ, गौहर खान ने 7 साल इस इंडस्ट्री में पूरे होने पर एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा बड़ा खुलासा किया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, गौहर खान ने ये कहती नजर आई कि जब वो 22 साल की उम्र में थी और उस वक्त जब उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया था टीवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो वहाँ उन्हें एक प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, जहाँ के उस प्रोड्यूसर ने उनकी कुंडली टोटली निकाल दी और कहने लगे कि गौहर तो कुछ भी नहीं कर पाएगी अपने ज़िंदगी में, तुझे लगता है कि तेरे जैसे को कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म में लेगा, फिल्म में काम तुझसे कराएगा, तुझे ऐसा लगता है? तो यहाँ पर गौहर खान ने ये बातचीत बताकर एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से आपके हिम्मत को और आपके जज्बात को तोड़ने की कोशिश की जाती है आपके स्ट्रगल के टाइम पर, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो अपने आप मुँह पर उन सभी को थप्पड़ लग जाता है जो ऐसी बातें कहते नजर आते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे गौहर खान के इस बड़े खुलासे के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।